हेलो, नमस्कार। बीकानेर निदेशालय द्वारा अभी अभी एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2018 गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र तो अंतिम रूप से चयनित पात्र अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर नियुक्ति पदस्थान के आदेश में उनका आदेश जारी कर दिया गया है। तो उन सबकी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, बने रही वीडियो में अंत तक। तो इनकी काउंसलिंग के संबंध में देखो, जारी हुआ है कि काउंसलिंग दिनांक 22 जनवरी 2024 को आयोजित कर काउंसलिंग दिनांक को ही नियुक्ति पदावस्थान आदेश जारी किया जाए और कार्यग्रहण की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2024 रखी जाए। जारी नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाकर प्रति मेल द्वारा अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार जो भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे उनके लिए खुशखबरी है, जिन्होंने फाइनल एग्जाम फाइट किए थे तो जिला आवंटन वो कर दिए गए हैं। इनके लिए वही मेडिकल चाहिएगा, ठीक है। काउंसलिंग होगी, अब पदस्थ स्थान पर स्कूल मिलेगी। तो कौन से विद्यार्थी को किन किन का क्या हुआ है वो नीचे दिए गए हैं, देखो मैं आपको बता दूं। जिन भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए आज ही का है, देख सकते हो आप, उसमें तो डिटेल नहीं थी। 16 जनवरी, ये देखो एनटीटी एग्जाम दिनांक, मेरिट क्रमांक है वदन सिंह है, सतीश कुमार है, सिरोही ये आवंटित जिला है वो है। इस प्रकार वो तो टीएसपी की दे रही है, नॉन टीएसपी की ये रहे। कितने विद्यार्थी है टोटल, ये देखो ये पेज आप देख सकते हो, सभी के जिला आवंटन कर दिए गए हैं। 72 है और मेरिट संख्या है इतनी, तो इनका जिला आवंटन हो गया है। अब जिला आवंटन होने के बाद की प्रोसेस है, आप अपने अपने जिला देख सकते हो और वहाँ संभागीय स्तर पर जो भी जिला शिक्षा अधिकारी, वहाँ आपकी काउंसलिंग होगी और आपको स्कूल चॉइस की जाएगी, स्कूल दी जाएगी। तो वहाँ जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा। 50 रुपये का स्टाम्प वगैरह ये ज्वाइनिंग के टाइम में चाहिए। और आप अभी से पुलिस वेरिफिकेशन तो अभी से ऑनलाइन कर दीजिए, जो आ जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उसी टाइम बनाना पड़ेगा ज्वाइनिंग ऑर्डर होने के बाद, ठीक है। अभी फ़िलहाल का काम इतना ही है, आप पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लीजिए और मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में चाहिए, स्टाम्प वगैरह भी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स, विवाह पंजीकरण वगैरह है, संतान क्या है, सभी शपथ पत्र वगैरह भी वो उसी टाइम चाहिएंगे ज्वाइनिंग के टाइम। आप बनवा के तो रख सकते हो भले, ठीक है। इस प्रकार ये जिन भी साथियों का सिलेक्शन होने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। इसी प्रकार अगर स्कूल से संबंधित, शाला दर्पण से संबंधित, ज्वाइनिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हो, आपके हर एक कमेंट का उत्तर मिलेगा आपको। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय।